हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरा पहला ब्लॉग है और अभी मैं हरिद्वार हर की पौड़ी पे हूँ। आज 31 दिसंबर है, 2021 का आखिरी दिन है और अभी हम गंगा स्नान किए हैं। जस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गंगा बह रही है। और हमारा प्लान जो न्यू ईयर का प्लान है, तो हमें यहाँ से चोपटा जाना है। कम से कम यहाँ 7-8 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से ड्राइव करके चोपटा जाने में, शाम हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और देखते हैं आगे कितना मज़ा आने वाला, न्यू ईयर का पार्टी कैसा रहता है आप इस पूरे ब्लॉग में देखेंगे। और उत्तराखंड के जो खूबसूरत पहाड़ हैं, जो नदियाँ हैं, झरने हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो बने रहिए और देखिए, इंजॉय करिए और जैसा भी हो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे टू है और 1 जनवरी आज, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम कल हरिद्वार से निकले थे और रूखी मठ आते आते रात हो गया, तो हम चोपटा तक तो नहीं पहुंच पाए। रूखी मठ से 10 किलोमीटर आगे किसी जगह पे रुके थे रात में, फिर हम वहाँ से टैक्सी रेंट करके चोपटा पहुँचे आज, और टुंगनाथ के लिए ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पे चढ़ाई बहुत है और फिसलन सबसे बहुत है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत क्राउड है यहाँ पे। तो आप नज़ारे देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बैकग्राउंड के शॉट दिखाता हूँ। तो ये टुंगनाथ का ट्रैक है, मेन तो रोड ही है लेकिन ऊपर फिसलन बहुत है, तो सब नीचे से जा रहे साइडों से। ये सब 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, मजे आने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप ये खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे जाने के लिए बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं आज। व्यू बहुत अच्छा है, सुनो यहाँ 2-3 दिन पहले पड़ी थी तो अब थोड़ी सख्त हो गई है, फिसलन बहुत है, ठंड बहुत है यहाँ पे, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन करवा के ऊपर ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं,
और ये बहुत ऊंची चढ़ाई है, आप नीचे देख सकते हैं। सुनो पूरी जम चुकी है, बहुत फिसलन है यहाँ पे। और जो लोग ऊपर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं ऊपर हालत और ख़राब है। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, आराम से जा रहे हैं, लाइनें लग गई हैं। मुश्किल जाएगा उतरने, चढ़ने से ज़्यादा उतरना थोड़ा टफ लग रहा है। यहाँ पे चढ़ तो फिर भी जाएंगे, लेकिन उतरते समय बहुत जतिन। अभी हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत भीड़, बहुत फिसलन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सब साइड से जा रहे हैं, मेन पाथ को कोई यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, चलना मुश्किल है उस पर। करीब 250 से 300 मीटर की चढ़ाई अभी हुई होगी और हालत ख़राब है। मेरे साथ वाले जितने थे अभी नीचे हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि वो आ गए तो फिर चलते हैं। यहाँ दो लोग गिरते गिरते बचे, अभी बहुत खतरनाक हो रखा है ये। तो हम ऊपर आ गए हैं, हम चार लोग थे लेकिन दो लोग नीचे ही रह गए, उनके जूते बहुत स्लिप कर रहे थे तो वो ऊपर नहीं आए। बाकी मैं हूँ और शिखर, तो हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे अभी चढ़ाई तो बहुत बाकी है, 4-5 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई बाकी है कह रहे हैं जो नीचे आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे रुका हूँ, एक खूबसूरत सा नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं चकम्बा, सामने आपको ग्लेशियर जो दिख रहा है वो है, पहाड़ ग्राउंड है, स्नो से पूरा भरा हुआ। आज आपको गिर गया गाइस, जैसे शेखर हाय, आज आप चिपी को होंगे आगे। तो मैं और शेखर जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं। तो अभी हम कम से कम 2 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और बाकी है और बैठे हुए थक गए हैं बहुत, बहुत ऊपर आ चुके हैं पहाड़ में। खूबसूरत नज़ारे, मज़े आ रहे हैं लेकिन फिसलने का डर रहता है हमेशा यहाँ पे, और बहुत थकान भी हो रही है, आदत नहीं है। हम बहुत ऊपर तक आ चुके हैं और आपको चंद्रशिला का टॉप दिख रहा होगा वहाँ पे, वैसे इतनी चढ़ाई और बाकी है, एकदम हम ग्लेशियर्स के सामने आके खड़े हैं। ये सब मंदिर है इधर,
और उधर चंद्रशिला का टॉप है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, हमें लगता है 1 घंटे और लगेंगे वहाँ चढ़ने में, 2 बज जाएंगे और नीचे उतरते उतरते 4 बज जाएंगे। बहुत हालत खराब है, चढ़ते हैं फिर से। हर हर महादेव। तो हम तुंगनाथ टेंपल पहुंच चुके हैं। बहुत चढ़ाई थी, बहुत फिसलन, बड़ा रोड था और बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुंचने में। कम से कम 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर का और ट्रैक है। आप मेरे पीछे मंदिर का गेट देख सकते हैं, मंदिर भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन यहाँ आना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी हम सोच रहे हैं पहले तो मंदिर जाएंगे, फिर देखते हैं चंद्रशिला जाने का क्या प्लान बनता है, क्योंकि हमारे जो दो फ्रेंड हैं वो नीचे हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है, 2 ऑलरेडी बज चुका है और यहाँ से उतरने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, तो शाम हो जाएगा। इसी वजह से शायद हम चंद्रशिला ना जा पाए, लेकिन हम तुंगनाथ टेंपल में अंदर जाते हैं। मंदिर तो बंद है लेकिन बाहर से दर्शन करते हैं भोलेनाथ की। आपको अंदर चलिए मंदिर दिखाता हूँ। शेखर से हाय। हाय शेखर, बहुत थक चुका है। चलिए लेट्स स्टार्ट। और हम ओके 1 फुट हियर। या वेट, पहले हम तुंगनाथ के अंदर जाते हैं, मंदिर देखते हैं अंदर से कैसे। यहाँ पे बहुत क्राउड है, बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पे ट्रैक में भी बहुत सारे लोग मिले थे, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आप जिधर भी देखेंगे उधर लोग ही लोग हैं। कोरोना भी है लेकिन फिर भी लोग हैं। हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, मंदिर तो फिर बंद है, बाहर से अंदर देखने की कोशिश की लेकिन पूरा अंधेरा था तो कुछ दिखा नहीं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हम यहाँ फोटो क्लिक कर लिए हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका है और यहाँ से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में। अगर हम यहाँ से चंद्रशिला जाते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा चंद्रशिला पहुँचते पहुँचते, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास, बहुत लेट हो जाएगा। तो अगली बार जब भी आएंगे तो हम चंद्रशिला जाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। बहुत क्राउडेड है लेकिन अच्छी जगह है, हर तरफ सुनो सुनो सुनो, ब्यूटीफुल प्लेस। मजे आए। 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ा, ट्रैक करना पड़ा, बहुत ही मुश्किल था। 2.5 घंटे से ज़्यादा लगे यहाँ, 3 घंटे से ज़्यादा लगे आने में, लेकिन बहुत ही अच्छा। ग्लेशियर्स उतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं पीछे वाले, उन पर बादल आ गए हैं। नहीं तो यहाँ से सामने चौखंबा दिख रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन बादल आ गए जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा।
पहुंच गए। गुड तो अब हम टुंगनाथ से नीचे चोपटा मार्केट में आ चुके हैं। अभी इस समय मार्केट से बाहर हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत क्राउड था, बहुत लोग थे और बहुत ही मुश्किल था उतरना भी, बहुत स्लिप कर रहे थे। चढ़ना तो और भी कठिन था और उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। हम कम से कम 2-2.5 किलोमीटर स्लाइड करके आए हैं तो उसमें बहुत मज़े आए हैं। थोड़ी सी चोट भी लगी लेकिन उतनी नहीं लगी है, चल जाएगा। और बहुत मज़े है, बहुत स्लिपिंग था और पूरे थक चुके हैं, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। लेकिन यहाँ कुछ खाने का है नहीं और हमें यहाँ से निकलना भी है, तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं। और हमारा प्लान है शायद हम यहाँ से अब टिहरी जाएं या श्रीनगर जाएं, फिर हम कल वहाँ से आगे का प्लान करेंगे, तो देखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, शानदार रहा अभी तक का सफ़र। बस आगे जुड़े रहिए, देखते रहिए। Thank you. I see.